2024 चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को शिवपाल का मंत्र, रामराज के लिए भाजपा का अंत बेहद जरूरी है। रामराज तभी आएगा जब समाजवाद होगा, जब अन्याय नहीं होगा तभी रामराज आएगा। यूपी सरकार की कारगुजारियों को सामने लाकर चाचा शिवपाल ने योगी सरकार की पोल पट्टी खोलने का काम किया है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल का पोस्टमार्टम कर डाला। महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इस लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह भर रहे हैं। इस बार उन्होंने समाजवादियों को समाजवाद का पाठ पढ़ाया, उनको बताया कि रामराज कैसे आएगा। कार्यकर्ता भी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और चाचा शिवपाल की एक एक बात सुनकर चुनाव तैयारियों को धार दे रहे हैं। रामायण के प्रसंग का उदाहरण देते हुए प्रभु राम के रास्ते पर चलकर रामायण का अंत करने का संदेश देते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इस दौरान वो बीजेपी पर काफी आक्रामक रहे और यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे। दरअसल चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के गीजा गाँव में 10वीं मेले को संबोधित कर रहे थे, जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत में खड़े थे। उन्होंने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को किसानों और मजदूरों, गरीबों के लिए सबसे अधिक अहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि सत्य पर चलने वाले भगवान राम की विजय हो सकती है तो फिर अत्याचारी रावण का अंत भी होगा। जब अन्याय नहीं होगा तभी रामराज आएगा। रामराज तभी आएगा जब समाजवाद होगा। बिना समाजवाद के रामराज नहीं होगा। चाचा शिवपाल अपनी विधानसभा में नवरात्रि के 10वीं मेले में शामिल हुए, जहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रामराज के लिए भाजपा का अंत बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राम और धर्म के नाम पर कैसे समाज को बांटा जा रहा है और जनता भली भांति समझ रही है। जनता राम और धर्म के नाम पर बांटने की भाजपा की नीति में अब फंसने वाली नहीं है। किसानों के सामने बिजली पानी संकट लगातार गहराता जा रहा है। आलू, गेहूं और धान की कीमत किसानों को सही नहीं मिल रही है, जिससे किसान परेशान हैं। महंगाई पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। जब जब समाज या कहीं भी जुल्म और अत्याचार बढ़ा है तो उस अत्याचार और अन्याय की हार हुई है। इस बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ और जितनी झूठी बातें कही गई हैं उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए शिवपाल ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार में कितने वायदे किए गए यह हर कोई जानता है, लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले कभी भी बड़े अधिकारी रिश्वत नहीं लेते थे, अगर लेते थे तो उन पर कार्रवाई होती थी, लेकिन आज आईएएस और आईपीएस अधिकारी सीधे रिश्वत लेने में लगे हैं। शिवपाल के इस अंदाज से कार्यकर्ता खुश भी हैं और उत्साहित भी हैं। लगता है समाजवादियों ने इस बार यूपी से बीजेपी की विदाई की ठान ली है। तभी तो अखिलेश यादव जहां एक एक कर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वो पार्टी की जीत का प्लान तैयार कर रहे हैं, जातीय समीकरण साध रहे हैं, गठबंधन के छोटे छोटे साथियों को एकजुट कर रहे हैं। और दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव बीजेपी पर पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वो पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, गांव-गांव जाकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी को 2024 की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी से मुकाबले के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जुनून भी भर रहे हैं, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।